अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां दहेज प्रथा पूरे समाज में अभिशाप बनकर फैल रही है। छोटे बड़े गरीब घरों की बेटियां भी इसका शिकार हो रही हैं। ताजा मामला चुरहटा थाना क्षेत्र का है, जहां दहेज ना दे पाने के चलते दो बच्चों की मां को पति मायके में छोड़कर उसकी छोटी बहन को भगा ले गया। हद तो तब हो गई जब पीड़ितों ने थानों में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं की। पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों के द्वारा पुलिस को पैसा दे दिया गया है, जिसके चलते पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। वहीं पीड़ित युवती ने बताया कि उसके दो बच्चे हैं, अगर पुलिस प्रशासन उसकी मदद नहीं करता और उसकी बहन को बरामद कर उसे ससुराल में जगह नहीं दिलाता तो वह कोई भी बड़ा कदम उठा सकती है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ बड़ी बहन उसी घर से प्रताड़ित होकर दो बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है, जबकि छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आरोपी अपने घर ले गया है। ऐसे में पुलिस का ना तो दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज की और ना ही अपहरण का, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए सुनाते हैं पीड़ित महिला और उसके परिजनों का क्या कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ सास ससुर पति सब प्रताड़ित करते थे, घर से निकालते थे, मारते थे, पीटते थे, घर से निकाल देते थे पैसा के कारण। बोले कि दहेज लाएगी तभी तू रहेगी घर में, नहीं दहेज नहीं लाएगी तो नहीं रहेगी। मुझे मेरा पति मारता था, करंट छुआता था, चूड़ी मांग मेरा सिंदूर सब कुछ धोया था। आपने कहीं रिपोर्ट की है क्या? मैंने मेहनत थाना में आवेदन दी थी, 16 फरवरी की आई हुई हूँ। आवेदन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने वस्ता चौकी भी गई थी तो वहाँ भी सुनवाई नहीं की मेरी, कोई भी कहीं भी सुनवाई मेरी नहीं हुई। पैसा खा लेते हैं, इसके बाद सुनवाई नहीं करते। वो तरफी के पैसा देते हैं, ये तरफी पैसा नहीं। हम लोग गरीब आदमी हैं तो क्या करें। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे दो हैं, एक लड़की एक लड़का। मुझे एसपी साहब से उम्मीद थी कि मुझे न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा न्याय। मैं 10-15 दिन में अपने हत्या कर लूंगी, अपने लड़कों बच्चों के साथ में, तीनों की। नाम क्या है? सरोज यादव। आपके साथ क्या घटना घटी है? हमारे साथ ये घटना है कि बड़ी वाली बिटिया की ब्याह रहन है कि हनकुड़िया गाँव में ही काम तो प्रसाद की है। वह भाई रात के 29 तारीख का लड़के भाग गया है काम तो प्रसाद, और लड़के भाग गया है गैन है। फिर हम रिपोर्ट करे गए हैं तो चौकी वाले गुम सुम लिख दी नहीं वह, और पैसा दाम सब चुरा लेके लई चली गई है। काजल यादव चीज वक्त ले गए हैं, सकरी ले गए हैं, लम्बा वाला माला ले गए हैं, और 3 लाख लेके चली गई है। गए नहीं वहाँ रिपोर्ट करे तो गुम सुन लिख दी नहीं, कहीं नहीं कि जब वो बिटिया मिली तब तो वहाँ चीज मिली, ना मिली बिटिया ना मिली तो कहाँ से मिली या मैं की। और वहाँ से पैसा खवा दे नहीं कुड़िया वाली काम तो यादव हरे, तो हम पंखे कौना सुनवाही नहीं हो। अब सब तरीबा गए तो अरीबा वाले नहीं सुनाता है, कहाँ नहीं सुना लगा है। आपका नाम? राजेश यादव। आपके साथ क्या घटना घटी? हमारे भतीजी रामपुर क्षेत्र कुड़िया में मारपीट के मेरे भतीजी को यहाँ छोड़ गए, दहेज प्रथा के वजह से धमकी दे के हमारे में फोन भी लगाते थे, हमारे भतीजी को उठा ले गए। 2 बजे रात हम दे के गाड़ी में लेके भाग गए। आपने कहीं शिकायत की है? हाँ, चौकी चुरांटा ये ये ये, 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 ये